देखो प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन पार्ट 41 पार्ट 41 मेंस्ट्रुएशन का यह हिसाब जो है बना लोगे तू लोग व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कैसा कुआं खोदा जाता है तो 20 मीटर गहरा व्यास 7 मीटर तो कुआं का आकार बोलो कैसा होगा, घनाकार होगा कि घनाभ जैसा कि बेलन जैसा कि शंकु जैसा, बेलन जैसा होगा। व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। यहीं तक आओ, चलो देखो व्यास 7 मीटर वाला ये एडी 7 मीटर, बीसी 7 मीटर, 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। मान लो एबीसीडी एक कुआं है तो कुआं बेलनाकार होगा क्योंकि व्यास दिया है और गहराई दिया है ना। तो मान लिया कि ए बी सी डी एक कुआं है जिसकी खुदाई की गई है, जिसका व्यास ए बी 7 मीटर है और गहराई ए बी 20 मीटर है। तो ये मान लो ये जमीन है, ये कुआं की खुदाई होगी तो ये मिट्टी कहाँ पर जाएगी, इसमें से निकलने वाला मिट्टी कितना होगा। ये जमीन है, जमीन के नीचे कुआं की खुदाई की गई जिसका व्यास 7 मीटर है और गहराई 20 मीटर है, तो इसमें से निकलने वाली मिट्टी का आयतन कितना होगा, जितना कुआं का आयतन है होगा ना। और उसी मिट्टी को निकाल करके अब फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है,
ये चबूतरा के बारे में दिया है, 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा है और इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी, खुदाई से जो मिट्टी निकली है को समान रूप से फैलाकर, यानी एक समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया। समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो 22 मीटर और 14 मीटर दिया है तो 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। कुएं से निकली टोटल मिट्टी को समान रूप से फैलाकर लोग चबूतरा बनाता है ना, तो ये चबूतरा की लंबाई 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा और कहता है ऊंचाई निकालिए, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुएं को खोदने से निकली मिट्टी का आयतन कुएं के आयतन के बराबर होगा और जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब कुएं से कुएं की खुदाई के कारण जो भी मिट्टी निकली है उस मिट्टी का आयतन कुएं के आयतन के बराबर होगा और उस मिट्टी से तू चबूतरा बनाओ या मूर्ति बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो कुएं से निकली हुई मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है तो इस चबूतरा का आयतन यानी टोटल मिट्टी का आयतन जितना मिट्टी निकला है उसी को समान रूप से फैलाया गया है चबूतरा बनाया गया है, तो इस मिट्टी का आयतन आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। और कुएं से कितनी मिट्टी निकाली गई है तो कुएं के आयतन के बराबर होगा। इसका ऊंचाई बनाए कुएं से निकली हुई मिट्टी, निकाली गई मिट्टी से जो चबूतरा बनाया गया है उसका लंबाई 22 मीटर चौड़ाई 14 मीटर और मान लिया ऊंचाई h मीटर है, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन होगा ना। व्यास 7 सीएम अति 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो गया। माना कि ए बी सी डी एक कुएं की खुदाई की गई है, ए बी सी डी जिस कुएं का व्यास ए डी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, इसलिए त्रिज्या व्यास का आधा 7 का आधा 3.5 मीटर होगा तथा गहराई कुएं की गहराई कितना कहोगे, ए बी कहो या पी को ओ को मिला दो केंद्र है, पी ओ कहो या डी सी, कुएं की गहराई एच मान लेते हैं, ये इसको एच वन मान लेंगे, बात हुआ बराबर। कुएं की गहराई एच दिया हुआ है 20 मीटर, कुएं की खुदाई से निकली मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, तो कुआं तो बेलनाकार है ना, तो बेलन का आयतन
कुएं का आयतन होगा तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 3.5, आर स्क्वायर तो 3.5 मीटर है, इसका स्क्वायर गुने एच हाइट कितना है तो 20 मीटर। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 22/7 गुने 3.5 मीटर का होल स्क्वायर तो 3.5 मीटर गुने 20 मीटर कितना होगा। इसको काटेंगे 0.5, तो 22 को 0.5 से गुना करेंगे 11 होगा ना, 0.5 का मतलब आधा होता है, ये मीटर है तो 11 मीटर गुने 3.5 को 20 से गुना करोगे तो 35 × 70 एक जीरो बैठ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो यानी ये जीरो हट गया, अंत में हुआ 70 मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर, नीचे का कटा हुआ है तो ये हो गया 770 मीटर गुने मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। तो कुएं की खुदाई से निकली मिट्टी का आयतन 770 मीटर क्यूब यानी घन मीटर होगा, तो 770 घन मीटर मिट्टी निकली है और इस मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, यहाँ तक समझा। तो चलो उतारो इसको, कुएं की खुदाई से निकली मिट्टी का आयतन 770 घन मीटर, ये लिख लो चित्र में कुआं, ये हो गया चबूतरा, देखो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन 770 घन मीटर, इसी मिट्टी से न चबूतरा बनाया गया है ना, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकल गया है, इसी मिट्टी से जो कुएं से निकली है चबूतरा बनाया गया है, अतः चबूतरा का आयतन किसका आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन होगा, और चबूतरा घनाव जैसा है, लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई कहता है ज्ञात करने, इसका मतलब घनाव का आयतन लेंगे चबूतरा का आयतन मीन्स घनाव का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन है 770 घन मीटर,
लंबाई देखो दिया हुआ है मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर दिया है। इसका मतलब है लंबाई तो 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई कहता है निकालने, तो लंबाई हो गया 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई निकालना है गुने ऊंचाई बराबर 770 घन मीटर, इसीलिए ऊंचाई बराबर 770 घन मीटर बटा 22 मीटर गुने 14 मीटर कट जाएगा 11 से काटेंगे 2, 11 से काटेंगे 70 होगा, ये 270 35 हो रहा है बराबर जी, तो ये 35 घन मीटर 14 पंचे 70 तो चलो ना 14 पंचे 70 5 बटा 2 ऊपर में है घन मीटर, घन मीटर का मतलब हुआ मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तीनों को गुना करेंगे घन मीटर, नीचे में है मीटर गुने मीटर, मीटर मीटर दो ठो कट गया, 5/2 मीटर का मतलब 2.5 मीटर, कुएं एक कबूतरा की ऊंचाई होगा। इसको समझा तू लोग, चलो इसको उतार लो, इसके बाद अगला हिसाब। ये हिसाब सुपर इम्पोर्टेंट, इसको मानो फिगर थोड़ा टेढ़ा है, प्रॉब्लम व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे इसमें निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे तू लोग देखा होगा कुआं की खुदाई कर दो, जो मिट्टी निकली है कुएं के चारों ओर इसी मिट्टी को ऊपर उठा करके किनारा बना दो, दिमाग में बात आ रही है? जैसे मान लो मान लेते हैं ए बी सी डी एक कुएं की खुदाई की गई, जिस कुएं का व्यास ए बी और डी सी, ए बी या डी सी है, दोनों सिरा तो वृत्ताकार ही होगा और कुएं की गहराई 14 मीटर है, व्यास दिया हुआ है 3 मीटर, फिर इससे जो मिट्टी निकली है इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर वृत्ताकार मुंह रहता है जी, तो कुएं के चारों ओर फैला दिया जाता है और ऊंचा हो जाता है एक बांध टाइप का, उस पर बैठ करके कुएं में झांक सकते हो, समझा बात? तो कुएं के ऊपर बांध कैसे बनाया जाएगा तो देखो, मान लो ये कुआं है,
तो मिट्टी के नीचे व्यास 3 मीटर, तो ये ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग का व्यास होगा। ऊंचाई ये गहराई कितना है, 14 मीटर गहरा। तो मिट्टी से नीचे अगर हम मान लो ये मिट्टी का सतह है, इसके नीचे इतना गहराई तक खुदाई करेंगे, ये गहराई कुएं की गहराई, कुएं की ऊंचाई हो जाएगी। तो कुएं की ऊंचाई दिया हुआ है और डायमीटर इतना, डायमीटर का 3 मीटर व्यास का और 14 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है। तो मान लो ये कुआं हो गया, इससे जो भी मिट्टी निकलेगा ये ऐसे है, पृथ्वी के सतह पर निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैला करके एक ऊंचा वृत्ताकार दिया हुआ है, बले यानी रिंग, अंगूठी होता है ना वृत्ताकार, रिंग जैसा एक ऊपर में बांध बना दिया जाता है। और इस बांध पर बैठ करके ऊंचा जो बनाया जाएगा, बहुत आदमी देखना कुएं में ईट और बालू का ये सीमेंटेड करके चारों ओर से बना देता है, उस पर बैठ करके कुएं में झांक सकते हो। तो ये सीन कैसा होगा, तो इससे निकली हुई मिट्टी का इसके ऊपर बांध बनाया जाएगा, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ये हो गया मिट्टी का बांध, समझ रहा है। इस कुएं से जो मिट्टी निकली, इसको इस रूप में ये बले, इसको रिंग के आकार का कहते हैं। तो ये निकली हुई मिट्टी का ये बांध बना दिया जाता है और इस पर से बैठ करके देखो कुएं के भीतर का सीन देखा जा सकता है। देख रहे हो सब, देखो तो समझ रहा है बात को। तो ये ऊपर में वृत्ताकार सिरे के चारों ओर वृत्ताकार रिंग जैसा मिट्टी को निकाल करके इस टाइप का बांध बनाया जाता है और कहा है इस बांध की ये ऊंचाई निकालिए। प्रश्न को समझा, ये एक कुएं की खुदाई की गई, इससे जो भी मिट्टी निकली इसके चारों ओर यानी ये कुएं का ऊपरी सतह है जो कि वृत्ताकार भाग होगा, निकली हुई मिट्टी को चारों ओर इस ढंग से फैला दो, जो रिंग जैसा एक बांध टाइप का बन जाए, तो उस बांध की ऊंचाई निकालना है। प्रश्न को समझ गया, समझते जाओ। माना कि ए बी व्यास वाला तथा ए बी गहराई वाला एक कुएं की खुदाई की जाती है, इससे निकली हुई मिट्टी, अच्छा खुदाई की जाती है तो इससे निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं बेलनाकार कुएं का आयतन होगा। इससे निकली हुई मिट्टी का आयतन
कितना ये बेलनाकार कुएं का कुएं का आयतन कितना होगा? बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एल, पाई का मान रहने दो, आर का मान हो गया, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 1.5 मीटर का स्क्वायर, और कितना कुआं 14 मीटर की गहराई, तो 14 मीटर पोस्ट में लिख देंगे। यहाँ बी बराबर 3 मीटर, इसीलिए आर बराबर 1.5 मीटर तथा गहराई, गहराई को ही कहेंगे ऊंचाई, ऊंचाई हो गया 14 मीटर। तो ये हो गया पाई गुने 225.2525 मीटर स्क्वायर गुने 14 मीटर। पाई आगे चलकर कट जाएगा, इसलिए पाई को रहने देते हैं। तो ये हो गया पाई, इसको इसको गुना करेंगे, 14 × 5 = 70, बकिया 7, 14 × 2 = 28, 7 = 35, बकिया 3, 14 × 2 = 28, 3 = 31, 2 अंक के बाद दशमलव, ये 0 हट गया, ठीक है न? गुना 14 × 5 = 70, 0 तो हट जाता है, 7, 14 × 2 = 28, 7 = 35, 14 × 2 = 31, मीटर स्क्वायर मीटर को गुना करेंगे तो घन मीटर। तो इससे यानी कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन इतना हुआ। अब इसी मिट्टी का बांध बनाया जाता है, वलय टाइप का रिंग जैसा चारों ओर। तो यहाँ तक तुम लोग लिखो, और ये चित्र जो है अभी अधूरा है, बांध बनाएंगे तो इतना तुम लोग उतारो। कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन कितना हुआ? पाई 31.5 घन मीटर, यानी इसे भी लिख सकते हैं 31.5 पाई घन मीटर, होगा ना? पाई को पीछे लिखो या आगे, मान अभी नहीं बैठाए हैं। अब इससे निकली हुई मिट्टी से कुएं के चारों ओर रिंग जैसा बांध बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसका चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र बनाना सीखो। आधा चंद्रमा छाप दो, उसके ऊपर फिर इस स्टाइल में दे दो, आसान है चित्र बनाना।
देखो ये कुएं को ऊपर का बांध है, समझा? चित्र को समझ लो तभी हिसाब समझेगा, नहीं तो हिसाब बेकार हो जाएगा। कितना कितनी मिट्टी निकली तो इतना तक समझ गया। अब ये इससे जो मिट्टी निकाले हैं तो यही चित्र ये है, तो मिट्टी निकाल करके इसके चारों ओर देखो वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय समझ रहा है ना, वृत्ताकार वलय का मतलब रिंग अंगूठी जैसा बनाते हुए इस ढंग से जो अभी उदाहरण दिए थे, कुएं को ऊपर में ऐसा बांध बनाया गया है, ध्यान से देखो। तो इस बांध की ये पूरा पूरी मिट्टी का बांध है, जो इस पर से बैठ करके बांध पर से ये चौराई हो गया, समझा ना, कुएं का ये चौराई हुआ, ये हो गया ऊंचाई, यानी ये वाला भाग जो देख रहे हो ये चौराई है, ये चौराई नाम लिख देते हैं, मान लो एम एन कुएं की चौराई हो गई। इसके बाद ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का अर्थ क्या हो गया, देखो तो ये चौराई हुआ ये वाला, ये ऊंचाई हुआ, सब जगह एक समान होगा, तो ऊंचाई को ये दिखलाए हैं, तो फिगर में तो ऊंचाई लग रहा है, ये मान लो 5 मीटर है तो सब जगह 5 मीटर, यानी यहाँ ये 5 मीटर है तो सब जगह 5 मीटर न होगा। तो मिट्टी से बने हुए बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, Thank you.
चलो तू लोग ब्रेन लगाओ। कुएं से निकली मिट्टी का एक वृत्ताकार वलय रिंग जैसा बांध कुएं के चारों ओर बनाया जाता है। अतः कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर इस बांध का आयतन होगा। दिमाग में लो इस बात को। मान लो ये कुआं है, इससे जो भी मिट्टी निकली है इसी निकली हुई मिट्टी से ये बांध बनाया गया है। इस बांध का आयतन यानी ये आयतन जो होगा बांध का पूरा, ये खाली भाग का आयतन यहाँ नहीं होगा, मिट्टी से बनी हुई बांध का आयतन। तो मिट्टी से तो ये पोर्शन न बना है, बीच वाला जगह खाली है। तो मिट्टी से बनी बांध का, ये कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर इस बांध का आयतन जो कुएं के चारों ओर रिंग जैसा है। आ रही है बात दिमाग में? बोलो। समझा कि झूठे हम यहाँ नहीं मिला रहे हो? तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर मिट्टी से बने बांध का आयतन होगा ना। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कितना है? 31.5 पाई घन मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू बैठा दिए, बांध का आयतन बराबर 31.5 पाई घन मीटर। यहाँ तक समझ गया? चलो उतारो इसको। हम लोग को बांध का आयतन निकल गया है, बांध मिट्टी से बनी है, कुएं से निकली हुई मिट्टी से। तो बांध का आयतन बराबर कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन। तो इतना तो समझ गया है, इसमें कोई शंका नहीं आता। इसको मान लेंगे समीकरण एक, बांध का आयतन तो हम लोग को मिट्टी के आयतन के बराबर निकला है,
वैसे बांधा आयतन होगा कितना को समझ जाओगे तो मेंसुरेशन में अभी तक जो कुछ भी हो हिसाब तो हल्का ही होता है, लेकिन समझने समझने की बात होती है। इसको समझ जाने का मतलब आगे में जो भी चैप्टर्स बच रहा है ना, वो सब में कुछ बांध का आयतन अब कैसे निकालेंगे, तो यही ना ध्यान दो। तो इसको समझने से आपको तू लोग समझो, मान लो लकड़ी का एक ठोस बेलन जैसा आकृति लो, ठोस लकड़ी यानी ठोस बेलन, लकड़ी का मार्केटिंग कभी तो लोग नहीं किया है अपने लाइफ में, अभी तो स्टूडेंट हो, वैसे हम भी नहीं किए हैं, लेकिन कैसे लकड़ी बिकती है मालूम है, CFT के आधार पर, CFT बोला जाता है, ये टर्म सीख लो, बराबर काम होगा। मकान बनाओगे तो कितना CFT गिट्टी लगा, कितना CFT बालू लगा, इसकी चर्चा होती है। तो ये CFT क्या है, तो सी से हो गया क्यू, FT हो गया फीट, समझा। फीट जानता है ना, 12 इंच बराबर 1 फीट, 100 वाला फीट हो गया, इसका हिंदी हो गया घन फीट, क्यू का हिंदी घन फीट। तो कहीं बालू लोगे तो दुकानदार बतलाएगा जो 100 रुपये CFT घन फीट, इसका अर्थ क्या हुआ बोलो तो, 1 घन फीट का अर्थ क्या हुआ जल्दी बोलो, तुम लोग कहेंगे 1 घन फीट क्यों बालू लेना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ बोलो, एक घन फीट को लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, सबको गुना करोगे तो 1 होगा, तब फिर मान लो दे देंगे घन फीट, यानी फीट 3 बार, FT × FT × FT, तो 1 FT 1 फीट × 1 फीट × 1 फीट, तीनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, फीट को 3 बार गुना करेंगे घन फीट, तो 1 घन फीट का मतलब हुआ 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, 1 फीट मतलब 12 इंची। अगर मान लो किसी दुकानदार से कभी बालू लोगे या गिट्टी लोगे या लकड़ी का मार्केटिंग करना है, तो CFT जब ये बोलेगा तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा लकड़ी को कहेंगे 1 CFT लकड़ी। अगर 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, 3 के बर्तन में हम लोग बालू लेंगे तो कहेंगे 1 CFT बालू हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन हो गया ना बालू का आयतन, 1 CFT बालू, यानी 1 फीट लंबा बर्तन, 1 फीट चौड़ा बर्तन और 1 फीट ऊंचा बर्तन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर आयतन, तो लकड़ी का आयतन हो गया 1 घन फीट यानी 1 CFT। तो CFT समझ गया, इसका बराबर यूज होता है। अब मान लो ये लकड़ी का कोई ठोस बेलन है, खोखला नहीं ठोस, इस बेलन का चूंकि बेलनाकार आकृति है तो ऊपरी भाग इसका वृत्ताकार होगा ना, मान लो इस लकड़ी में इसका व्यास AB, ये AB व्यास हो गया, डायमीटर मान लेते हैं 7 मीटर डायमीटर है, तो ABCD
ये भी 7 मीटर हो जाएगा और ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसमें से क्या करो, एक बेलना, ये स्वयं ठोस बेलन है लकड़ी का, 7 मीटर जिसका व्यास है तो मोटा होगा, बहुत मोटा। अब इसमें से बीच में से एक बेलनाकार आकृति काट लो, बेलन जैसा ही, बेलन जैसा काटेंगे। इसका अर्थ हुआ, मान लो ये हम लोग 5 मीटर का व्यास लेकर के ये बेलन जो है बेलनाकार आकृति बीच में से काट करके निकाल लिए, ये खाली हो चुका। अब लकड़ी कितनी बची, लकड़ी का आयतन ये काट करके निकाल लिए यानी बाहर कर लिए, तो ये बचा हुआ भाग देखो ये हो गया। ये जो हम कलर किए हैं उतनी ही लकड़ी बच रही है, समझ रहे बात को। ये अब ऊपर नीचे होल बन गया, बीच से जो काट लिए ऊपर नीचे, मतलब नीचे में पेंदी सटा करके काट लेंगे, ऊपर पूरा पूरी काट लेंगे तो ऊपर जगह बन जाएगा, नीचे में सिर्फ पेंदी है, वृत्ताकार पेंदी। ये निकलने वाली लकड़ी बेलनाकार लकड़ी का आयतन पूरे लकड़ी के आयतन में से घटा दो तो ये बचा हुआ लकड़ी जो है, ये लकड़ी वाला भाग बच गया है, वो अभी तो बेलन नहीं होगा। कल्पना करो यही है, ये लकड़ी है बेलनाकार है ना जी, ये पूरा लकड़ी है, बीच में कल्पना करो खाली नहीं है, तो बीच वाला भाग को काट करके निकाल लिए तो निकाला गया भाग बेलन होगा। और ये जो बच रहा है ये पूरा पूरी लकड़ी है, तो लकड़ी जैसा बेलन का आयतन हमको नहीं निकालना है, सिर्फ इस लकड़ी का आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण बेलन का आयतन इस ठोस भाग सहित इसमें से माइनस कर देंगे, किसका आयतन, निकले हुए लकड़ी का आयतन। तो इसका अर्थ है इसका बाहरी किनारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया व्यास, और जो निकला हुआ निकली हुई काटी हुई लकड़ी है इसका व्यास कम होगा, ध्यान दो। अभी जो वर्तमान में लकड़ी है इसका व्यास होगा तुमको इतना हो रहा है, बीच वाला जो काट करके निकाल लिए तो बीच वाला का व्यास देखो कम है, यानी इतना ही है, और निकला हुआ भाग बेलन की ही आकृति का होगा। तो इस लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण ये संपूर्ण बेलनाकार भाग का आयतन माइनस निकाली गई लकड़ी का आयतन, वह भी बेलनाकार भाग होगा, तब बची हुई लकड़ी का आयतन होगा, यानी बची हुई लकड़ी का आयतन बराबर संपूर्ण बेलन का आयतन माइनस निकाले गए बेलन जैसा आकृति का आयतन बराबर बची हुई लकड़ी का आयतन होगा। तो उसी तरह मान लो ये मिट्टी का बांध ऊपर से बनाया गया है तो ये तो बेलन जैसा है ना, बेलन जैसा है जिसमें बीच वाला भाग खाली है, इसका मतलब ये बड़ा बेलन जो है, बड़ा बेलन का वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है ना, तो बड़ा बेलन जो है इसमें से काट कर निकाला गया बेलन यानी मिट्टी नहीं है, बेलनाकार भाग है ना ये, लेकिन मिट्टी तो नहीं है। तो संपूर्ण बेलन के आयतन में से भीतर वाला बेलनाकार भाग का आयतन घटा देंगे, ये मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। ऐसी बात, लेकिन मिट्टी का नंबर नहीं।
बांध का आयतन निकालना है सिर्फ बांध का, तो बांध तो बेलनाकार है, वास्तव में बेलनाकार है ना बांध। बांध का आयतन तो एक मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, लेकिन वास्तव में इस बांध का आयतन कितना होगा तो देख लो। सुना, बांध का आयतन बराबर, अब ये परे वृत्ताकार भाग का व्यास हो गया mn होगा, और ये छोटे वृत्ताकार भाग का व्यास यानी ये हो गया, इसको मान लो sp, जहां ये बिंदु हुआ सामने में, इसके सामने में ये बिंदु, बांध का आयतन बराबर ऊपर वाला का पूरे का आयतन माइनस पहला का, संपूर्ण बांध का आयतन खाली भाग सहित, यानी ये तो बांध है ही, खाली भाग सहित बांध का आयतन माइनस खाली भाग, यानी संपूर्ण बांध का खाली भाग सहित आयतन, माइनस इस पंक्ति को तू लोग समझा बोलो तो। समझ। बेलनाकार बांध का खाली भाग सहित आयतन, तो ये बेलनाकार बांध जो है तो ये खाली भाग सहित आयतन माइनस बीच वाला बेलनाकार खाली भाग का आयतन, बीच वाला तो बेलनाकार खाली भाग है जिसका आयतन घटा देंगे तो ये बांध का आयतन, सिर्फ बांध का आयतन निकल जाएगा। बेलनाकार बांध का खाली भाग सहित आयतन कितना होगा, तो बेलनाकार बांध है ना, तो बेलनाकार बांध का आयतन खाली भाग सहित या ठोस रहे, मिट्टी भरा रहे तो पर भी, फॉर्मूला से तो होगा पाई आर एच स्क्वायर एच ही होगा, जहां आर हो गया, जहां आर बराबर चित्र से एम एन, एम एन दो एन केंद्र, एम एन हो गया ना बीच में कौन सा, ये व्यास हो गया केंद्र में जो एम, केंद्र बीच में होगा, होगा ना एम वहाँ है उसके
दूसरा एम एन चौराहे माने थे तो डब्लू एक्स, डब्लू एक्स चौराहे हो गया, आर बराबर एम एन, व्यास कितना होगा बोल? व्यास 3 मीटर है किसका, जिस कुएं की खुदाई किए हैं, इसका 3 मीटर है, इसका 4 मीटर और चौराई कितना है 4 मीटर, तो इसका अर्थ है 4 मीटर और 3 मीटर, जैसे ये 3 मीटर हो गया यहाँ तक, ये आंतरिक किनारा तक हो गया 3 मीटर, अंतिम से लेंगे दोनों ओर तो दिया हुआ है, नहीं बांध की चौड़ाई दिया हुआ है ना, चौदह मीटर, हाँ 4 मीटर चौड़ी, ये चौड़ाई है 4 मीटर, यानी ये चौड़ाई डब्लू एक्स हो गया 4 मीटर, तो 4 मीटर ये चौड़ाई और 4 मीटर ये चौड़ाई, तो 4 और 4 8 और 3 मीटर व्यास हो गया भीतर वाला भाग का, तो 3 मीटर और 4 7 मीटर और 4 मीटर 11 मीटर हो गया ना, व्यास होगा ये 4 मीटर और यहाँ अंतिम भीतरी भाग से ये भीतरी भाग तक का व्यास हो गया 4 मीटर और चौराहे की 4 मीटर तो 8 और ये चौराहे 4 मीटर तो 12 मीटर हो गया, 3 मीटर है तो 4 × 8 = 11 मीटर, 4 मीटर 4 मीटर और बीच की दूरी 3 मीटर व्यास, तो 4 × 3 = 7 × 4 ग्यारह मीटर ये बाह्य वृत्त का व्यास हो गया, हो जाएगा तो एम एन हो गया 11 मीटर, आर नहीं डी व्यास हो गया, जहां डी डायमीटर, एम एन तो डायमीटर हुआ, डायमीटर एम एन 11 मीटर, इसीलिए आर बराबर 11 ½ 5.5 मीटर होगा, और ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हो गया पाई, इसको कैपिटल आर, बड़ा सर्किल है, पाई आर स्क्वायर यानी 5.5 मीटर का स्क्वायर, एच एच हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया बेलनाकार बांध का खाली भाग सहित आयतन हुआ, इसमें से माइनस करेंगे, ये तो संपूर्ण बेलनाकार बड़ा वाला भाग का हुआ, भीतर वाला भाग जो खाली है ये माइनस करेंगे, इसमें हो जाएगा माइनस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो भीतर वाला त्रिज्या को आर मान, तो पाई आर स्क्वायर और एच, एच हो गया कौन सी, एच हो गया ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो गया खाली भाग का ऊंचाई दोनों का, अगर बीच वाला भाग हम काट कर निकाल ही लिए तो ऊंचाई बीच वाला भाग का भी वही है और बाहर वाला भाग का भी वही है, ऊंचाई के लिए हम लोग लिखेंगे एच, जहां आर क्या हो गया, आर हो गया बड़ा वाला वृत्त का, और ये वैल्यू बैठेंगे तो ये आर तो दिया हुआ है, ये कुआं वाला 3 मीटर का आधा 1.5 मीटर, इसका मान रखेंगे, इसमें देखो पाई कॉमन है एच कॉमन है, पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर पाई एच, कैपिटल आर कितना है 5.5 एम, और 3 का आधा हो गया 1.5 एम,
देखो बांध का आयतन निकाले हैं तो हम लोगों को निकला है इतना, इसी को समझना मुख्य चीज है। समझा तू? एम एन ये एम एन जो है ये बड़ा वृत्ताकार भाग है बेलन का, जैसे ये तो ये है ना, तो बेलनाकार भाग में एक बेलन जैसी आकृति काट कर निकाल लिया गया है। इसका बाह्य किनारा भी वृत्ताकार है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन काट कर निकाल लिया गया। ऐसी स्थिति में बाह्य किनारा, बड़े बेलन का बाह्य किनारा का अगर हम व्यास निकालेंगे वृत्ताकार भाग का, ये बाह्य किनारा देखो ये वाला हो गया बड़ा वाला, एम से लेकर एन तक, कहने का अर्थ इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक आओ, एक सरल रेखा केंद्र होकर के खींचो तो ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ये डायमीटर, तो ये हो गया एम एन। प्रश्न को फिर से देखो ना, ये सोल्यूशन को बांध का आयतन इसको समझा है, इसको समझा तो बेलनाकार बांध का खाली भाग सहित आयतन, बेलनाकार बांध जो है ये बांध तो ये पूरा हो गया ना, तो इसका खाली भाग सहित आयतन यानी खाली भाग का भी निकाल रहे हैं, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर माने है त्रिज्या किसको, कैपिटल आर, ये बड़ा वृत्ताकार भाग को, बड़ा वृत्ताकार भाग का ये व्यास माने है एम एन। समझा? तो और ये कैपिटल आर बड़े वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है। समझ गया? बेलनाकार बांध का खाली भाग सहित आयतन निकालेंगे तो बेलनाकार का बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें कौन सा लेंगे दिमाग में लो, तो बांध का आयतन मतलब सिर्फ ये बांध का आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, ये भाग तो खाली है, तो कैसे निकालेंगे सिर्फ बांध का आयतन, तो ये तो बेलन के आकृति का है ना बांध, तू समझ कैसे, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस बीच वाला बेलनाकार खाली भाग का आयतन, बीच वाला, तो बीच वाला जो है इसका आंतरिक भाग ये ना है वृत्ताकार भाग, तो इसकी त्रिज्या आंतरिक भाग वृत्त, देखो संकेंद्रीय वृत्त है, वृत्त के भीतर वृत्त है ना, इसका कैसा है तो ये चित्र देखो, तो ऊपरी भाग का ये केंद्र हो गया, ये ए बी, ये ओ केंद्र है, ये सी बी, सी बी व्यास हो गया छोटे वृत्त का, ओ डी त्रिज्या छोटे वृत्त का, बड़े वृत्त का व्यास हो गया ए बी, तो ये बड़ा वृत्ताकार भाग का व्यास हो गया एम एन, बड़ा वाला का हो गया एम एन, यहाँ इसको से अंतिम से लेकर के आओगे तो फिर ये आइए जुट जाएगा इतना, और इतना इस व्यास में भीतर वाला बेलन के वृत्ताकार भाग के व्यास में बाहरी वृत्त का ये चौराई जुटेगा, ये चौराई है तुमको दिया हुआ चार मीटर, ये चार मीटर, ये चार मीटर, आठ मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है तीन मीटर, तो चार और तीन सात आठ कितना है, चार मीटर चौड़ी वृत्ताकार बल है तो ठीक है, और तीन मीटर व्यास है भीतर वाला का, तो चार आ चार आठ है, ये तीन ग्यारह, बाहरी वृत्त का व्यास कितना हो गया ग्यारह मीटर हो गया, तो त्रिज्या ग्यारह का आधा 5.5, तो त्रिज्या 5.5 कैपिटल आर बड़े वृत्त के लिए, स्मॉल आर छोटे वृत्त के लिए। अब समझा? शंका है तो बोलो, इसी में यही समाधान हो जाएगा।
अब बैलू बैठाएंगे, बीच वाला बेलनाकार खाली भाग का आयतन तो बेलन है पाया रे स्पायरे, बीच वाला खाली भाग जो है वृत्ताकार इसका त्रिज्या आर, और ये बड़ा वाला जो है इसका त्रिज्या कैपिटल आर, दोनों में पाई कॉमन है और एच कॉमन है, ऊंचाई तो समान होगा ना बांध का प्रत्येक जगह, तो इस तरह मान रखे हैं तो इतना निकला है बांध का आयतन। बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और समीकरण एक से बांध का आयतन देखो ये है, और समीकरण इसको दो मान लिया है, दोनों एक ही बांध का आयतन है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां तक उतारो पहले, इसके बाद तुम लोग ये लिखोगे, ये लाइन को मिटा दो, इस पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर पाई एच कॉमन लिया हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और वैल्यू बैठा दिए, अब ठीक हो गया ना। तो समीकरण एक और समीकरण दो से बांध का आयतन एक ही बांध है तो दोनों समीकरण से आयतन एक हो जाएगा। दो में है पाई एच, पांच दशमलव पांच मीटर का होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना समीकरण एक का मान ये है, दो वाला ये है, ये भी घन मीटर में है। भीतर वाला को गुना कर दिए है ना, तीस दशमलव दो पांच मीटर स्क्वायर में से दो दशमलव दो पांच मीटर स्क्वायर घट कैसे घटाओगे, तो तीस रुपया पच्चीस पैसा में से दो रुपया पच्चीस पैसा घटा दो, अट्ठाईस रुपया बचा, यानी अट्ठाईस मीटर स्क्वायर बच गया। बराबर इकतीस दशमलव पांच पाई, एच का मान निकालना है, इसीलिए एच बराबर इकतीस दशमलव पांच पाई बटा पाई, ये हो गया अट्ठाईस मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एच है तुमको मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर गुना ले लो, और मीटर यहाँ एच मीटर है, हाइट मीटर में एच मीटर माने हैं,
तो मीटर स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स वाला मीटर से गुना होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। जब ये मीटर क्यूब होगा तो ये देखो ये मीटर क्यूब में है घन मीटर में, तो कॉमन में दोनों कट जाएगा ना, समझ रहे हो बात को, लिखे पूरी बात को। पाई एक्स, एक्स मीटर माने हैं, हाँ मीटर लिखे बराबर ये घन मीटर यानी मीटर क्यूब 31.5 मीटर क्यूब, पहले समझ लो तब लिखना। मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पाई एक्स आ मीटर, मीटर स्क्वायर कॉमन आ गया तो मीटर गुने 31.5 मीटर 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 क्यूब, ये मीटर कॉमन ले लिए मीटर स्क्वायर 30.25 -2.25 बराबर 31.5 मीटर क्यूब, पाई एक्स मीटर क्यूब गुने ये हो गया 28 बराबर 3.15 पाई मीटर क्यूब। अब समझ गए हो ना, एक्स बराबर हो जाएगा 3.15 पाई मीटर क्यूब, एक्स को रख करके पाई आ जाएगा नीचे, 28 आ जाएगा नीचे और ये मीटर क्यूब आ जाएगा नीचे। देखो मीटर क्यूब कट गया, पाई पाई कट गया, बच गया 3.15 बटा 28। कटेगा कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे 7 चुका 28 3, 7, 5, 35 4.5 बटा 4 और एक्स बराबर 4.5 बटा 4 इसको तोड़ेंगे तो 45/40 होगा, 9, 5, 45 8, 5, 40 भाग दो 1, 2, 8, 16 8, 5, 40 क्या बोले 31.5 बराबर 4 ठीक है। एक्स को रखेंगे ऊंचाई निकालना है 31.5 पाई मीटर क्यूब बटा पाई मीटर क्यूब आ गया गुने 28 आ गया, मीटर क्यूब कट गया पाई भी कट गया तो ये बच गया 31.5 बटा 28 और एक्स बराबर इसको तोड़ेंगे तो 315/280 होगा, 0.3 नीचे में शून्य, हम काटो इसको 5 से काटेंगे 5×30 5×15 63/56 7 से काटेंगे 9/8 9 में 8 से भाग दोगे तो 1.12 8×2=4 8×5=4
इसलिए एच बराबर 1.125 एच मीटर माने हैं इतना मीटर हुआ अंतर। बोलो कहीं कोई दिक्कत? इस हिसाब को समझा तू लोग? जी ठीक है, रहने दो इतना।